Hello everyone. So let us continue with capital budgeting. So we were in the capital budgeting, we were discussing about the techniques of capital budgeting. Right, so we're discussing about the techniques of capital budgeting, and in the last lecture what we covered was the discounted payback period. Now in the techniques, we started with the time adjusted techniques, or what we call it as the discounted techniques. Do tarah ki techniques hai, traditional hai aur discounted techniques hai. Traditional techniques humne kar li pehle, jisme humne kiya accounting rate of return and the payback period. Fir discounted techniques ki baat ki humne, jo time adjusted technique hai jinko hum bolte hain, to usme humne kiya tha discounted payback period. Wahan par maine ab kya bataya tha aapko, ek term batayi thi discounting. जो वर्ड डिस्काउंटेड था कि डिस्काउंटिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं, कि किसी भी चीज़ की जो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो पोटैटोज लेने, तो आप उससे पूछते हो एक साल बाद क्या रेट होगा, वो कहता है 30 रुपये, आज क्या 20 रुपये, मतलब कल के 30 रुपये की आज वैल्यू है 20 रुपये. तो कल जो कैश फ्लोज होंगे आपके, जो ईयर वन के एंड पे, ईयर टू में, ईयर थ्री में, जो भी आपके कैश फ्लोज होंगे, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, जब हम वो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. तो उसके लिए आपके पास क्या गिवन होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दिस इज गिवन. ये आपको एग्जाम में भी दिया हुआ आएगा, ठीक है. फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जो पैसा आपने लगाना है उसकी कॉस्ट क्या है. कॉस्ट क्या होती है कि अगर वो पैसा उस एसेट में ना लगाकर आप बैंक में डिपॉजिट करते तो वहां से अर्निंग्स करते, तो वो अर्निंग अब जो लॉस है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये आपका बनता है डिस्काउंट रेट, ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर ना हमने नेट प्रॉफिट का कोई जिक्र ही नहीं किया यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर कैश फ्लोज में हमने कैश इनफ्लो लिया है और कैश आउटफ्लो लिया है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कैश फ्लोज है हमारे पास तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करनी है. डेप्रिसिएशन के बाद एक आया वर्किंग कैपिटल. मैं सब ये दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर जो अगला हम टेक्निक करने वाले हैं उसमें सब कुछ यूज़ होने वाला है, सब कुछ यूज़ होगा, इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे पास. नाउ द टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस लेक्चर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, ठीक है जी, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के. सर इतनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या है हमारे पास टेक्निक, है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एनपीवी टेक्निक, ठीक है जी. तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीवी. चलो जी, अब देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है. अब जब नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम से एक चीज पता चल रही है कि किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. इतने पार्ट में देखो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब किसी चीज़ की हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. अब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं. मैंने अभी बताया था आपको पेबैक पीरियड में, लास्ट लेक्चर हमने किया था ना, कि किसी भी चीज़ की, कोई फ्यूचर चीज़ की अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम वो निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर प्रेजेंट वैल्यू देखो तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू से मतलब है कि हमें डिस्काउंटिंग करनी है. एक पार्ट क्लियर हो गया, डिस्काउंटिंग करनी है सर. तो दूसरा क्या है, नेट. अब नेट से क्या मतलब होता है, जब हम यूज करते हैं नेट, नेट मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज में से माइनस करके कोई नेट वैल्यू निकाल रहे हैं. नेट प्रॉफिट निकालते हो, कैसे निकालते हो, एक्सपेंसेस को इनकम में से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है. तो नेट क्या है, किसी चीज को नेट ऑफ कर रहे हैं, कि एक चीज प्लस में है दूसरी माइनस में है, नेट उसका क्या रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है. तो नेट क्या रिजल्ट है, वो नेट है. तो वही चीज यहां करेंगे कि एक चीज प्लस में होगी, एक चीज माइनस में होगी, उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे हम लोग, ठीक है. नेट इफेक्ट किसका, जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी वो बनेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू. जैसे कि अब पे बैक पीरियड में हमने क्या किया था, अगर पे बैक पीरियड की बात करें तो पे बैक पीरियड में हम करते थे
कि जो मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो है, इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो कितने टाइम में मुझे रिकवर हो जाएगा। इसकी रिकवरी देखते थे हम लोग कि कितने साल में इनिशियल कैश जो आउटफ्लो है आपका वो कैश इनफ्लो से आपका रिकवर हो जाएगा, यही देखते थे हम लोग। ठीक है, कि अगर 10 लाख रुपए इनिशियल कैश आउटफ्लो है कितने साल में हम अपने कैश इनफ्लो से वो 10 लाख रुपए रिकवर कर लेंगे, यही पेबैक पीरियड में किया था। लेकिन जब नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की बात आई, यहां पर हम पीरियड को, वो कहता है जी मुझे पीरियड नहीं चाहिए। अब बिजनेसमैन को आप समझाने बैठे हो, वो कहता है, एक बिजनेसमैन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करता है, आप कहते हो जी कि आपने 10 लाख रुपए इनिशियल कैश आउटफ्लो करना है, 10 साल में आपको रिकवर हो जाएगा। बिजनेसमैन कहता मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता मुझे ये बताओ कि मुझे आज की डेट में उसका क्या फ़ायदा होगा, भूल जाओ कि कितने साल में रिकवर होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि जो मेरे कैश आउटफ्लो थे वो कितने साल में रिकवर होंगे। पे बैक पीरियड में उसको इसी से मतलब था, एनपीवी में उसको इससे मतलब नहीं है। वो एनपीवी में क्या बोलता है, एनपीवी में वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे आज की डेट में क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं एक प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, व्हाट इज़ माय बेनिफिट। ठीक है, तो एनपीवी में क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट टुडे। वो कहता है अगर मैं आज 10 लाख रुपए लगा दूं तो मुझे आज क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बताओ, छोड़ दो कि कितने साल में होगा, क्या होगा क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आज की डेट में उससे क्या बेनिफिट होगा, जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अब आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक आती है, तो आपने कहा चलो ठीक है जी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपने क्या कहा, आपने कहा एक तो पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, ये कब होगा, ये जीरो पीरियड पे होगा, मतलब आज। अगर आज 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आज की डेट में आपका ये 10 लाख रुपए लग जाएगा। बिजनेसमैन कहता ठीक है जी, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने क्या पूछा था, उसने कहा था मुझे नेट फायदा बताओ कि कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, आज की डेट में मुझे उसका नेट बेनिफिट क्या होगा। इसलिए उसका नाम पड़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि बिजनेसमैन हमसे क्या पूछ रहा है, वो कहता है जितना पैसा जाना है आना है क्या है आपको पता है, मुझे उसका नेट इफेक्ट बता दो, निचोड़ बता दो उसका, कि उसमें मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी आपको ऐसे बता देते हैं हम लोग। मैंने कहा आज की डेट में आपका 10 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो होगा, मान लिया, तो कैश इनफ्लो कब होगा, कैश इनफ्लो एक साल के बाद होगा, होगा या नहीं, एक साल के बाद कैश इनफ्लो होगा ना। मैंने कहा एक साल के बाद आपको 2 लाख रुपए कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, एक साल के बाद कैश इनफ्लो होगा, फिर 2 साल के बाद फिर आपको 3 लाख रुपए आएगा, और तीसरे साल के बाद आपको 5 लाख रुपए आ जाएगा, और चौथे साल में आपको 1 लाख रुपए और इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इस तरह से आपके इनफ्लोज बनेंगे। वो कहता एक साल, 2 साल, 3 साल, कहता मुझे नहीं पता, मुझे आज की रेट में बताओ। उसका क्वेश्चन फिर वही के वही, उसका दिमाग वही अड़ा हुआ है बिजनेसमैन का, कहता मुझे नहीं पता एक साल के बाद 2 साल के बाद आएगा या नहीं आएगा, मुझे क्या आज की रेट में बेनिफिट बताओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज की रेट में 10 लाख तो हुआ आउट, ठीक है, जो एक साल बाद 2 लाख रुपए है उसकी आज की डेट की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। एक साल बाद 2 लाख है, आज की डेट क्या है, जीरो पीरियड, दिस इज टूडेज डेट, ये जो जीरो पीरियड है दिस इज टूडेज डेट। आज की डेट की वैल्यू निकाल सकता हूं इसकी, बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वैल्यू आ गई। ऐसे ही 3 लाख को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 2 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे इसको कर दूंगा, ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को 4th ईयर की कर दूंगा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, कि ये जितनी भी वैल्यूज थी मैं उसको कहाँ ले आया, मैं उसको जीरो पीरियड पे ले आया, सारी वैल्यूज को आज की डेट में ले आया। अब आज की डेट में ये मेरा कैश आउटफ्लो है, ये सारे मेरे कैश इनफ्लो हैं, तो मैं इसका नेट इफेक्ट बता सकता हूँ इसको, इसका अगर मैं नेट इफेक्ट निकालना चाहूँ,
कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसमें से कहना चाहूं नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, अगर मैं इसमें से बेनिफिट निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा? कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, ठीक है, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज ही करूंगा ना। तो अगर तो ये फिगर पॉजिटिव आएगी मेरी, फिर तो मुझे फायदा है, अगर नहीं तो मुझे नुकसान है। क्लियर? यही एनपीवी है सर। तो एनपीवी क्या कहता है? एनपीवी इज द कंपैरिजन और द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। एनपीवी क्या है? एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो से क्या मतलब है कि फ्यूचर के जितने कैश इनफ्लोज हैं उनको हम जीरो पीरियड पे ले आए हैं फॉर द कंपैरिजन, माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, ठीक है। तो एनपीवी में क्या कर रहे हैं, यहां पर हम पीरियड को नहीं देख रहे, यहां पर हम सारा कुछ जितना भी इनफ्लो है जितना भी आउटफ्लो है सब आज की डेट में ले आए, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन क्या कह रहा है, वो कहता है मुझे आज की डेट में बताओ फायदा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं एक साल बाद दो साल बाद मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहता है एक साल बाद दो साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे नहीं पता, मुझे आज की डेट में बताओ फायदा हो रहा है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी भी फ्यूचर के इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं मैं उसको आज की डेट में ले आऊंगा ताकि आपको आज की डेट का मैं आपको फायदा बता सकूं, ठीक है। तो वो जो कन्वर्जन है उसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, जैसे हमने पेबैक पीरियड में की। तो मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग कर ली उसकी, डिस्काउंटिंग करके मैंने उसका डिफरेंस लिया बिटवीन द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज एंड द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, राइट। सो द प्रोजेक्ट विद द पॉजिटिव, सो इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, देन एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर एनपीवी आपका लेस देन जीरो है देन रिजेक्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि जब फायदा ही नहीं हो रहा प्रोजेक्ट से तो क्या करोगे, ठीक है। अब हमने एक बात की थी टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस की, वहां पर मैंने कहा था कि अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट डिसीजन है, अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है कि मैं एक प्रोजेक्ट को अगर एक्सेप्ट करता हूं तो दूसरे को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि दूसरा रिजेक्ट ही होगा मेरा, ठीक है। तो अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या करना है, अगर एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है, एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेप्ट कर लो, जॉन से भी प्रोजेक्ट की एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है उसको एक्सेप्ट कर लो, एनपीवी लेस देन जीरो है तो उसको रिजेक्ट कर दो। अब सर एक चीज ले ली आपने, कहा एनपीवी ग्रेटर है तो एक्सेप्ट कर लो, लेस देन है तो रिजेक्ट कर दो। अगर एनपीवी इक्वल टू जीरो है तब क्या करें, तब ये मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है, मैनेजमेंट डिसीजन, तब ये डिसीजन मैनेजमेंट के हाथ में चला जाता है कि वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, मैनेजमेंट कहती है कोई बात नहीं हम काम करेंगे, हम मार्केट में अपना नाम कमाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं भी प्रॉफिट होता कोई बात नहीं ले लो प्रोजेक्ट, ठीक है। और दूसरी तरफ मैनेजमेंट की सोच क्या हो सकती है, नहीं जी हमें तो प्रॉफिट कमाना है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमें कोई फायदा नहीं है। क्लियर? तो दोनों ही चीजें हैं कि अगर एनपीवी ग्रेटर है फिर तो एक्सेप्ट कर लो, लेस है रिजेक्ट कर दो, अगर इक्वल टू है तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। क्लियर है? अब ये तो थे इंडिपेंडेंट डिसीजन, अब आपके पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस, अब क्या करोगे? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, अगर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ यू एक्सेप्ट वन प्रोजेक्ट द अदर प्रोजेक्ट विल ऑटोमेटिकली गेट रिजेक्टेड। अब कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और कौन से को रिजेक्ट करना है, द प्रोजेक्ट विद द हाइएस्ट एनपीवी
जिसका नेट बेनिफिट हमें सबसे ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे. द प्रोजेक्ट विद द हाइएस्ट एनपीवी, द प्रोजेक्ट विद द हाइएस्ट एनपीवी इज टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है, क्लियर है? तो अगर इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो डिसीजन कैसे लेना है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें डिसीजन किस तरह से लेना है. एनपीवी में बेसिक क्लियर हो गया एनपीवी का, कि एनपीवी का बेसिक क्या है. एनपीवी नेट इफेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है किस में, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज और डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज में. अब आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी तक हमने देखा कि कैश जो आउटफ्लो था, कैश आउटफ्लो वो आज की डेट में ही था, जीरो पीरियड में ही था, तो आपने यहां पर वर्ड डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो क्यों यूज किया, आपने ये डिस्काउंटेड वर्ड क्यों यूज किया. कैश आउटफ्लो तो जब आज की डेट पे है तो आज की डेट पे है, उसको डिस्काउंटिंग करने की क्या जरूरत है. ठीक है, तो आपने इसको, आपने वहां पर वर्ड डिस्काउंटेड क्यों यूज किया. वो इसलिए किया क्योंकि कुछ कैश आउटफ्लोज ऐसे भी होंगे जो आपके दो साल पर हो सकते हैं, तीन साल पर हो सकते हैं, चार साल पर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो जीरो पीरियड पे होंगे. जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब जो वर्किंग कैपिटल की एडिशनल रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि वो आपको काम करते करते प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग पता चले और दूसरे साल में जाके वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल आप रिलीज करो, आप इशू करो वर्किंग कैपिटल दूसरे साल में जाकर. अब वो आउटफ्लो भी हमें आज की डेट में लेके आना है. जब बिजनेसमैन हमसे, लाला जी हमसे आज की डेट का मांग रहे हैं तो हम सारा कुछ ही आज की डेट का करेंगे, फिर कैश आउटफ्लो भी हम आज की डेट का लेकर चलेंगे. तो हर तरह का कैश आउटफ्लो कोई मेंटेनेंस हो सकता है. ठीक है, साल के एंड में कैश आउटफ्लो कैसा होगा, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी तो कैश आउटफ्लो है. तो सारा के सारा कैश आउटफ्लो, जितना भी कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है, सारा के सारा क्या लेके आएंगे, सारा के सारा आज की डेट में लेके आएंगे, ताकि हम आज उनको बेनिफिट बता सकें कि प्रोजेक्ट में से आज उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा. क्लियर? तो जब आज की डेट में सब कुछ लेके आना है, प्रेजेंट में लेके आना है, नाम ही सजेक्ट कर रहा है कि वो कहता है जी प्रेजेंट में ले आओ, सारी के सारी वैल्यूज को प्रेजेंट में लाकर उनका नेट इफेक्ट देख लो. तो उससे क्या बना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि आपकी जितनी वैल्यूज हैं, वैल्यूज में क्या आ गया, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, उनको प्रेजेंट में ले आओ तो प्रेजेंट वैल्यू बन गई, और उसका नेट इफेक्ट कर दो, मतलब इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज कर दो, नेट इम्पैक्ट देख लो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन गया. तो नाम में ही सारा कुछ डिस्कस हो गया हमारा, नाम में ही सारा कुछ निकल आया सर. ठीक है जी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो नाम में से ही मिल जाएंगी. क्लियर? तो अगर आपको नाम समझ में आ गया तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. क्लियर? चलो जी, तो सर अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो बहुत ही ज़रूरी है. जब हम एनपीवी करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमें क्लासिफाई करना है कि वो कैश आउटफ्लो हैं या इनफ्लो हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. चलो जी, पहला, कंसल्टेंट्स फी कंसल्टेंट फी क्या है सर. बिजनेसमैन ने आपको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया, किस चीज के लिए, कि उस बिजनेसमैन की आप हेल्प करो इन द डिसीजन मेकिंग, कि क्या उसको प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो इस चीज़ में जो डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग में बिजनेसमैन कहता है कि आप मेरी हेल्प करो, तो आपको एज अ कंसल्टेंट वो हायर करता है और आपको उस चीज़ की फीस दे रहा है वो. ठीक है, अब उस जो कंसल्टेंट फी है उसको कैपिटल बस्टिंग में आप कैसे यूज़ करोगे. आप कहोगे कैश आउटफ्लो है, आप तो यही कहोगे ना कि कैश आउटफ्लो है सर.
कि बिजनेसमैन के लिए तो कैश आउटफ्लो है, बिल्कुल कैश आउटफ्लो है, लेकिन ये एक संक कॉस्ट है. दिस इज व्हाट, दिस इज अ संक कॉस्ट. संक कॉस्ट क्या है? डूबी हुई कॉस्ट. मतलब सर, बिजनेसमैन ने आपको बुलाया कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसके लिए मुझे एज अ कंसल्टेंट मुझे अपनी राय दो. ठीक है, आपने कहा मैं 10,000 रुपये चार्ज करूंगा. बिजनेसमैन ने कहा ठीक है जी. अब चाहे वो बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपकी फीस तो उसको देनी पड़ेगी ना. चाहे वो बिजनेसमैन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, आपकी फीस तो उसको देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी. तो इसका मतलब है कि जो कंसल्टेंट की फी है उसका प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो तो उसको वो तो कॉस्ट होएगी होएगी, दैट इज अ संक कॉस्ट. ठीक है, तो संक कॉस्ट ये है कि वो कॉस्ट किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट इज अ कॉस्ट दैट इज बाउंड टू हैपन वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट. तो संक कॉस्ट का ट्रीटमेंट हम लोग कुछ नहीं करते. ठीक है, दूसरा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. अब नई मशीन खरीदनी है, फिक्स्ड एसेट है हमारा, तो क्या है ये? ये है मेरा कैश आउटफ्लो, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है. कॉस्ट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट. कॉस्ट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट क्या क्या है कि अगर ये मशीन हमने नई मशीन ले रहे हैं, इस मशीनरी को रन करने के लिए कुछ और इक्विपमेंट भी हमें साथ में बाय करना पड़ा, तो वो भी क्या है? कैश आउटफ्लो है, क्योंकि इस इक्विपमेंट के बिना ये मशीन चल नहीं सकती. जब तक चल नहीं सकती तो उस एसेट का हमें फायदा नहीं है. सो दिस एडिशनल इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस न्यू मशीनरी. क्लियर? तो ये कैश आउटफ्लो हो गया. देन एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट, कार्टेज. अब वो मशीनरी को ऑर्डर किया आपने, वो मशीनरी आपके फैक्ट्री में आनी है, तो आने तक के जितने खर्चे हैं वो पार्ट ऑफ मशीनरी बनेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी बनेंगे. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई ओकेजन्स पे. तो एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट कार्टेज क्या है? कैश आउटफ्लो है सर. उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. आपने नई मशीनरी तो ले ली, अब आपके वर्कर्स को पता नहीं कि मशीनरी कैसे चलानी है, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी है, तो आप उसको ट्रेनिंग भी दोगे ताकि मशीनरी को आप वर्किंग में ला सको. और मशीनरी को वर्किंग में लाने तक के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब कैश आउटफ्लोज हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर मशीनरी. तो ये भी क्या कैश आउटफ्लो है. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन की. हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं तो उस कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के साथ हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अराइज हो सकती है. तो जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अराइज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इशू करेंगे तो वो भी तो मेरा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा. ठीक है, देन फिर आया सब्सिडी. सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट. अब सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट क्या है? आप एक ऐसा यूनिट हो जो SEZ यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप यूनिट हो, आपको कुछ सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक पर्टिकुलर एसेट को अगर एक्वायर करना चाहो तो गवर्नमेंट कहती है 10% हम पे करेंगे, 90% आप पे करो. ठीक है, तो 10% क्या है? 10% इज अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो 10% का क्या आपको फायदा है? 10% का तो जहां फायदा हो रहा है वो कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इनफ्लो हो रहा है? जहां फायदा होगा वो आपका क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा. ठीक है, तो सब्सिडी अगर मिल रही है आपको तो गवर्नमेंट कहती है कि 10% हम आपको देंगे, तो 10% गवर्नमेंट की तरफ से कैश इनफ्लो है. देन रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कैश इनफ्लो है कि यूजफुल लाइफ अगर 5 साल थी, 5 साल के बाद वो वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी हमारे पास, तो क्या है? कैश इनफ्लो है हमारा. ठीक है, फिर उसके बाद
सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू क्या है सर? सेल्वेज वैल्यू भी कैश इनफ्लो है, क्योंकि 5 साल अगर मशीनरी की लाइफ है तो 5 साल के बाद हमें वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। उसमें से सेल्वेज वैल्यू मिलेगी जब उसको बेचने जाएंगे मार्केट में, तो उसमें से कुछ पैसा मिलेगा हमें, तो वो क्या है? कैश इनफ्लो है, राइट। देन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीन। सर आपकी मशीन ऐसी हालत में है कि आपकी मशीन बिक नहीं रही मार्केट में, इतनी खराब उसकी हालत हो चुकी है मशीनरी की और इतनी पुरानी हो चुकी है कि कोई उस मशीनरी को लेने के लिए रेडी नहीं है मार्केट में, तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी के पैर पकड़ रहे हो कि सर मशीन उठा के ले जाओ, हमसे पैसे ले लो। वो कहता है जी मशीन उठा के तो ले जाऊंगा, वो आप कहते हो फ्री में ले जाओ, वो कहता फ्री में ले जाऊंगा सर लेकिन जो रिक्शा का किराया तो लगेगा ना, आप कहते हो वो भी मेरे से ले जाओ, आप रिक्शा का किराया भी 100 रुपये मेरे से ले जाओ, आप मशीन ले जाओ बस यहाँ से, ठीक है। आपकी मशीन इतनी ख़राब हालत में है कि कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक कोई ग्राहक मिला है, पर वो भी फ्री में उठाने के, आप कहते हो फ्री में ले जाओ, वो कहता है जी, फिर वो सोच में पड़ता है, वो कहता है मैं फ्री में ले तो जाऊं लेकिन जो रिक्शा के है ऑटो के है वो भी तो किराया लगेगा, आप कहते हो वो भी हम पे कर देते हैं, आप डिस्पोज ऑफ करो हमारी मशीनरी को, उठा के ले जाओ बस किसी तरह से, ठीक है। जो आपका किराया लगेगा 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो भी हम पे करने के लिए तैयार है। That is the cost of disposal of machinery. एक machinery को dispose of करने के लिए अगर कोई cost है, तो cost है तो वैसे ही cash outflow हो गया, ठीक है, ठीक है जी। Then tax on profit on sale of machinery or disposal of machinery. जो टैक्स है कैश आउटफ्लो हो गया, और इसी तरह से आपके पास क्या होगी, टैक्स सेविंग भी हो सकती है अगर लॉस है, लॉस ऑन सेल, तो ये कैश इनफ्लो है, ठीक है, क्लियर है। टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर एक इनकम में से लॉस है और आपकी दूसरी इनकम में प्रॉफिट है, तो वो मान के चलते हैं कि हम उसको सेट ऑफ कर देंगे पहले, फिर जितना नेट प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, तो लॉस के ऊपर हमेशा हमें टैक्स सेविंग होती है, क्लियर है। उसके बाद 13th एनुअल सेल्स, सेल्स तो हमारा कैश इनफ्लो है ही है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये मोर और लेस एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि जो आपको एनपीवी में यूज होगी, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा चीजें यूज होने वाली नहीं है। 14th वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, कैश आउटफ्लो कॉस्ट है, वैसे क्लियर हो गया सर। देन टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रोल क्या था जो हमने डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन का रोल क्या था, डेप्रिसिएशन का रोल था टैक्स को बचाना, और अगर टैक्स को बचा रहे हैं, अगर फायदा कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो कैश इनफ्लो है। देन टैक्स ऑन अर्निंग्स, जो हम CFAT निकालते हैं, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकालते हैं, या कैश फ्लोज, वो क्या है, टैक्स ऑन अर्निंग्स है, कैश आउटफ्लो है, टैक्स पे कर रहे हो, जितना आप कमा रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, और अगर यही आपकी अर्निंग नेगेटिव है तो क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी। मैंने अभी बताया आपको कि अगर एक इनकम टैक्स, जब आप पढ़ोगे इनकम टैक्स लॉ, कि अगर एक हेड में से नेगेटिव इनकम है, दूसरे में से पॉजिटिव है, तो हम उस नेगेटिव इनकम को पॉजिटिव इनकम में से एडजस्ट कर देते हैं, और टैक्स किसके ऊपर पे करते हैं, जो नेट पॉजिटिव इनकम बचती है, दैट इज पॉजिटिव इनकम माइनस नेगेटिव इनकम करके जितनी बचेगी उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। सो दिस इज टैक्स सेविंग ऑन नेगेटिव अर्निंग, तो ये कैश इनफ्लो है। जहां पर फायदा हो रहा है वहां पर कैश इनफ्लो है, जहां पर कॉस्ट हो रही है वहां पर कैश आउटफ्लो है, क्लियर है।
ठीक है जी। तो ये मोर ऑर लेस एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं कि अगर ये खर्चा है तो मेरा कैश आउटफ्लो है या कैश इनफ्लो है। अब साथ में ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कौन से साल में खर्चा हो रहा है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। नोट क्या, स्पेशल अटेंशन टू बी पेड टू द ईयर इन विच कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस, कि जो कैश आउटफ्लो है या कैश इनफ्लो है कौन से साल में हो रहा है, इस चीज के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है, तभी आप प्रॉपर डिस्काउंटिंग करके उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ पाओगे। ठीक है, अगर वहां पर कहीं, अब ये मत सोचना कि जितना कैश आउटफ्लो है सारा का सारा जीरो पीरियड पे होना है, नहीं सर, इसलिए हमने टर्म क्या यूज की है, वहां पर भी हमने टर्म यूज की है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, कि कैश आउटफ्लोज किसी और पीरियड पे भी हो सकते हैं। वर्किंग काम करते करते प्रोजेक्ट में आपको पता चला कि वर्किंग कैपिटल और चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल इशू की दूसरे साल में, तीसरे साल में, वो तो उस साल का कैश आउटफ्लो है, वहां से डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आओगे। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर, चलो जी, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आ गए अपने पास एक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखो, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन एंड The question says the tax is to be deducted and question says tax is to be paid, then assume tax rate subject to explanatory note। हमने क्या कहा कि कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहता है टैक्स तो आपने डिडक्ट करना है, जितनी अर्निंग्स होगी उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है, लेकिन टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में। अगर ऐसा केस है तो कुछ भी रेट एज्यूम कर लो टैक्स का, मेरी मानो तो आप 30% एज्यूम कर लो, लेकिन साथ में एक नीचे नोट दे दो, उसका एक्सप्लेनेटरी नोट जरूर दे दो कि इन द एब्सेंस ऑफ द टैक्स रेट बीइंग स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव एज्यूम द टैक्स रेट टू बी 30%। ठीक है, 30% एक एप्रोप्रिएट रेट है टैक्स का जो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी, जो मर्जी ले लो, 10% 20% 25% जो मर्जी ले लो आप। ठीक है, कोशिश करो 30% से ज़्यादा मत लेना, 30% से ज़्यादा टैक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये मत कहना कि 70% टैक्स रेट ले लिया हमने, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्लियर, अगर मेरे हिसाब से चलो तो आपको ये जो टैक्स रेट है प्रेफरेबली 30% ले लो इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी प्रेफरेबली 30% है, बिल्कुल सेफ है। राइट, नाउ सेकंड पॉइंट, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन एंड क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन टैक्स रेट, साइलेंट ऑन टैक्सेशन, देन इग्नोर टैक्स। वो कहता है कि अगर टैक्स रेट नहीं दिया गया और क्वेश्चन साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन, क्वेश्चन में कोई उसमें लिखा नहीं गया कि टैक्स लेना है नहीं लेना है, तो इग्नोर कर दो टैक्स को, कोई जरूरत नहीं है टैक्स का ट्रीटमेंट लेने की। ठीक है, तीसरा, इफ टैक्स इज इग्नोर्ड, इफ टैक्स इज इग्नोर्ड देन इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑल्सो।
तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने टैक्स को इग्नोर किया तो डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करो. क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन का रोल क्या है? डेप्रिसिएशन का रोल सिर्फ टैक्स से रिलेटेड है कि वो टैक्स को सेव करने में हेल्प करता है, उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है. तो अगर जब टैक्स ही नहीं ले रहे, टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को क्यों लें? डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर कर दो, क्वेश्चन ईजी करो अपना, ठीक है ना. क्योंकि डेप्रिसिएशन का रोल सिर्फ टैक्सेशन तक है कि वो टैक्स सेविंग करता है, उसके ज़्यादा डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है. तो अगर टैक्स को इग्नोर करते हो तो डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करो. क्लियर? चौथा, चौथा आपके पास क्या है? सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड अर्लियर इज एज्यूम्ड टू हैव बीन रिलीज्ड, इज एज्यूम्ड टू हैव बीन रिलीज्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. वो कहता है कि हमने जो वर्किंग कैपिटल इशू की थी, सपोज 2 लाख रुपए हमने वर्किंग कैपिटल दूसरे साल में इशू की थी, तो जब एंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा, एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ होगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरा के पूरा 2 लाख वर्किंग कैपिटल हमें वापस आ जाएगी. ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया कि वर्किंग कैपिटल 2 लाख नहीं, आपको 1.5 लाख ही वापस आई है, तो 1.5 लाख लोगे आप. ठीक है, फिर आप 1.5 लाख लोगे, फिर 2 लाख नहीं लेना. अगर क्वेश्चन साइलेंट है वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड, तब आप पूरे के पूरी वैल्यू ले लोगे. ठीक है जी. देन सेल इज एज्यूम्ड टू हैव टेकन प्लेस एट द एंड ऑफ ईयर. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कैश इनफ्लोज हैं, सेल क्या है, सेल से रिलेटेड है कैश इनफ्लोज, तो हम ये लेके चलते हैं कि जो कैश इनफ्लोज हैं वो हमारे ईयर एंड के हैं, तो उस हिसाब से इंडेक्सेशन लगेगी. जैसे कि सपोज ईयर 0 पर हैं हम लोग, फिर ईयर 1 पे हैं, ईयर 2 पे हैं, ईयर 3 पे हैं, तो मैं कहता हूँ ईयर 1 में मुझे 1 लाख रुपये का फ़ायदा है, ईयर 2 में 1 लाख रुपये का, ईयर 3 में 2 लाख रुपये का कैश इनफ्लोज हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास. तो ये जो है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये 31 मार्च ऑफ दिस ईयर 1 है, ये 31 मार्च ऑफ ईयर 1 है, तो इस फर्स्ट ईयर की इंडेक्सेशन लगेगी इसको. अगर मैं कहता कि 1 लाख रुपये यहाँ पर है, तो यहाँ पर इंडेक्सेशन लगनी नहीं थी कोई. अगर ये ईयर 2 के 1 लाख रुपये मैं यहाँ पर मानता, तो मैं ईयर 1 की इंडेक्सेशन लगाता, ना कि ईयर 2 की. ठीक है, चलो जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज़ से रिलेटेड हमें. ठीक है, क्लियर? और अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी गई आपको, तो क्या करोगे? अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is not given, use straight line method. Sir, easy method use करेंगे. ठीक है, use straight line method of depreciation. Clear? So these are the few important points that I wanted you people to write. Right? I'll be providing all these points in the notes also that I'll be providing on capital budgeting. उसमें भी provide करवाऊंगा. ठीक है, अब कि practical करने से पहले आपको ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी knowledge में होनी चाहिए. Right? So this is the basic of net present value technique. A very easy technique, but very very important technique. इसमें question हमारे पास कई तरह से आ सकते हैं, तो इसमें कई practical problems भी हम लोग solve करेंगे. तो next lecture में we will continue with this NPV technique only. Right? And if you have any queries, you can send me an email.
ksjteaching@gmail.com, right? And you can also visit the website for all the study material, that is www.ksjteaching.org. The FM study material is in process. The cost accounting study material is almost complete, so you can go for the cost accounting one, okay? And you can connect with me on the Telegram app. This is very, very important. Please connect with me on the app. This is going to be really helpful for you people, because I'll be sharing important things, important updations, whatever are there. So I'll be, sharing a lot of things on the Telegram app, right? So the link I'll be providing in video description. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.